फ्रेंड्स, आई एम फजीला एंड यू आर वॉचिंग फजीला एंड स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक DIY एंटी एजिंग फेस मास्क, जो कि हर वो गर्ल्स चाहे ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, हर वो गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं जिनके फेस पे अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो रही है और स्किन उनकी फट सी जा रही है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाएगा, बिल्कुल नर्म और मुलायम कर देगा। और साथ ही शेयर करूँगी इसके साथ एक लिप बाम जो कि आपके चैप्ड लिप्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और साथ ही बताऊँगी शिया बटर के कुछ बेनिफिट्स के हमें इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो शेयर करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ना, वो है जी शिया बटर। और मेरे पास जो शिया बटर है वो है AZ ऑर्गेनिक का, जो कि 100% प्योर और क्रुएल्टी फ्री है। तो स्क्रीन पर जो आपको देसी घी जैसी चीज़ दिख रही है वो है जी शिया बटर, जो कि ठोस फॉर्म में होता है और हाथ में लेते ही मेल्ट होकर स्किन में ऑब्जर्व हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसके बेनिफिट्स और यूसेज की बात करूं, तो बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे फाउंडेशन, शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी लोशन वगैरह। अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की रेडनेस या स्वेलिंग है, तो एंटी इंफ्लामेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से यह आपकी स्किन पर से इन प्रॉब्लम को भी हल करेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मेरी वो प्यारी सी खवातीन जिनके स्ट्रेच मार्क्स का मसला है, मीन्स के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इससे बिल्कुल तो नहीं, बट काफ़ी हद तक आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ एंटी एजिंग वाली जो हमारी खवातीन हैं, जो कि एंटी एजिंग प्रोसेस पर चल रही है, उनके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। वो अगर इसे यूज़ करना चाहें तो ये इन्हें बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे देगा। और अगर मेरी वो खवातीन यानी कि जिनके एज साइन आने से पहले ही रिंकल्स, फाइनलाइंस वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उनके लिए मैंने ये मास्क भी बनाया है जिसे मैं अभी बताऊंगी। बट मेरी जो एंटी एजिंग वाली ये खवातीन हैं, जो कि एंटी एजिंग के प्रोसेस पर चल रही हैं, उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है, और ये हर वो गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, चाहे ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, या कोई से भी वो गर्ल्स हो, ये हर स्किन टाइप वालों के लिए ये मास्क जो मैंने बनाया है इफेक्टिव है। आप लोग इसे बनाकर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस मास्क को किस तरह से बनाया है। DIY एंटी एजिंग मास्क को बनाने के लिए आपने लेना है एक एम्प्टी बाउल में 1 टीस्पून के करीब मैदा। मैदा आपकी स्किन से टैनिंग को दूर करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फिर आपने लेना है 1/2 टीस्पून के करीब ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन आपकी स्किन से ऑयलनेस को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फिर इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून टर्मरिक लेना है। टर्मरिक आपकी स्किन पर गोल्डन ग्लो लाएगी। इसके बाद आपने 1 टीस्पून के करीब हनी इसमें ऐड करना है। हनी आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। और साथ ही आपने 1 टीस्पून के करीब शिया बटर लेना है। शिया बटर भी आपकी स्किन को नर्मो, मुलायम, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करेगा। फिर आपने इससे किसी भी रोज़ वाटर या आपने नॉर्मली वाटर डाल के इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपका DIY एंटी एजिंग मास्क रेडी है। अब आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। पहले आपने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने फिर इस DIY मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद आपने इसे हाथों की मदद से इसे रगड़ के उतार लेना है, या फिर आपने पानी की हेल्प से इसे वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपकी स्किन जो है ना, बहुत ही नर्म और मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट एहसास देगी आपको। और इसके वॉश करने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने घी की बाल्टी अपने फेस पे लगा ली हो। बट जैसे ही आपका फेस ड्राई होगा, बिल्कुल सॉफ्ट और नर्म और मुलायम सी स्किन आपके सामने होगी।
सो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे DIY लिप बाम, जिसे बनाने के लिए हमारा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है जी शिया बटर। आपने 1 से 1.5 चम्मच के करीब शिया बटर ले लेना है और फिर आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब आलमंड ऑयल। यानी कि यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ आलमंड ऑयल, वो एलजेड ऑर्गेनिक का है। इनकी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाय की हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उन पर रिव्यू भी दूंगी। और अगर इस ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इस पर अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जी, आपने 1 चम्मच के करीब आलमंड ऑयल लेना है और फिर इसके बाद आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है जी कोकोनट ऑयल, जो कि काफ़ी अच्छा ऑयल है और स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला ऑयल है। ये आपकी स्किन के साथ साथ आपकी लिप को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। आपने 1 टीस्पून के करीब इसे भी ऐड कर देना है। तो जी, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए मेरे यहाँ पे कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा जम गया है और जो थोड़ा सा ऑयली फॉर्म में है वो मैं स्पून में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा मैंने ऑयल निकाल लिया है, आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें डालना है, मिक्स करना है और आपने लिप बाम वाले कंटेनर में इसे डाल के फ्रीज कर लेना है। तो लो जी, ये हमारे लिप बाम रेडी है। अब आपने इसे जब दिल चाहे, जब आपको लगे कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तब आपने अपने लिप्स पर इसे लगा लेना है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरी इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए मेरे साथ रहिए। और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।